बच्चों हमारी पोयम चल रही थी द टेल ऑफ द मेलेसिटी विच वॉज रिटन बाय विक्रम सेठ। पहले वीडियोस आप देख चुके होंगे, आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री। पहले ये तो बता दीजिए कि पहले इसका जस्ट पहले वाला वीडियो क्या कह रहा था, याद है ना बच्चों? जी हाँ, पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा हम रीमेमोराइज हो जाते हैं। जो विक्रम सेठ है वो लिखते हैं कि जो राजा होते हैं वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ ट्रिकी थिंग, आई नीड अ काउंसिल, सो मुझे एक काउंसलर अवेलेबल करवाया जाए ताकि मैं उससे सही राय ले सकूं। तो काउंसलर आते हैं या नहीं आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइनों में। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति मिल गए, एंड ब्रॉट, और उन्हें क्या किया गया, लाया गया, एंड ब्रॉट, उन्हें वहां पर लाया गया, ने कैरेड टू द रॉयल कोर्ट, कहां पर लाया गया, रॉयल कोर्ट में उन्हें हाजिर किया गया। ही कुड नॉट वॉक, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हैं देखिए, हु इज द वाइजेस्ट मैन, हाउ ही इज लुकिंग, देखें, ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वो ना तो चल सकते थे, वॉक, वॉक मीन्स चलना, एंड ना ही वो देख सकते थे। तो ऐसा क्या था उनके अंदर, ऐसा था कुछ ना कुछ तो था, देख तो, देखिए अगली लाइन क्या कह रही है अपने को, सो ओल्ड एंड देयर फोर वाइज वॉज ही, वो बहुत ही ओल्ड थे, वृद्ध थे, इसीलिए वो वाइज थे। क्यों बुद्धिमान थे, बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड पर्सन, बट इन ए क्वावरिंग वॉइस ही सेड, नए जो काउंसलर हैं वो आ गए हैं दरबार में, वो अपनी क्वेवरिंग वॉइस, क्वेवरिंग मीन्स लड़खड़ाती हुई आवाज में क्या कहते हैं, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट मीन्स जो मुख्य अपराधी है, उसे जरूर पनिश किया जाना चाहिए। हु इज मुख्य अपराधी, हु इज द मेन कल्प्रिट, ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंग्ड, बोले कि सबसे बड़ी गलती क्या बता रहे हैं जो वाइजेस्ट मैन है, वो किसकी गलती बता रहे हैं, ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंग्ड, बैंग्ड मीन्स हमें सबको पता है कि राजा को सिर पर टक्कर किसकी लगी थी, आर्च की लगी थी, बैंग्ड, बैंग्ड मीन्स जो टक्कर लगी है उनके सिर पे वो आर्च के द्वारा ही लगी है, द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, और उस टक्कर की वजह ही से ही तो राजा का जो क्राउन है वह नीचे गिर गया है, और इसीलिए किसको सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्च है, मेहराब है, उसे दोष दिया जा रहा है कि जो आर्च है उसी की वजह से राजा को टक्कर लगी है, उसी की वजह से क्राउन गिरा है, इसलिए जो आर्च है उसे ही सूली पर लटकाया देना चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स देखें हम क्या कह रही हैं, नेक्स्ट लाइन्स, टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड, और फिर होता क्या है, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड मतलब वह चबूतरा जहां पर की फांसी की सजा दी जाती है, वहां पर आर्च को, मेहराब को लाया जाता है। वेन सडनली ए काउंसलर सेड, अचानक से जो काउंसलर हैं, जो ओल्ड मैन है वो क्या कहते हैं, जो ओल्ड मैन है वो कुछ नई बात कह रहे हैं, हाउ कैन वी हैंग्ड सो शेमफुली, हम इतने शर्मनाक तरीके से कैसे किसी को सूली पर लटका सकते हैं, कौन है वो शर्मनाक व्यक्ति या चीज, वॉट डज योर हैड योर मैजेस्टी, बोले ऐसी चीज राजन जिसने आपके सिर को टच कर लिया उसको हम सूली पर कैसे लटका सकते हैं। सही बात है, ट्रू, म्यूज्ड द किंग, राजा ने अपने आप से बात करते हुए क्या कहा, हाँ हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, बाय नाउ द
क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड. परंतु इतनी देर में होता क्या है, जो जनता होती है, दर्शक जो होते हैं, वो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं, जोर जोर से वो बड़बड़ाने लगते हैं, आपस में जोर जोर से बातें करने हुए लोग लग जाते हैं. और इसका नतीजा क्या होता है, द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड. राजा उन लोगों की बड़बड़ाहट भरी बातें सुन के भांप जाते हैं. क्या भांप जाते हैं, उनके मूड को, जो लोग हैं उनके मूड को भांप जाते हैं. एंड ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स घबराना, राजा स्वयं घबराने लग जाते हैं. एंड सेट टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और जो भी वहां पे इकट्ठे हुए हुए थे उन सबको राजा क्या कहते हैं, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन. अब राजा ने एक नई बात कह दी. क्या कह दी, लेट अस पोस्टपोन. पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना, पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना, रोक देना. कंसिडरेशन कि हम जो ये किसी को सूली पर लटका देने वाला विचार है ना, इस विचार को ही स्थगित कर देते हैं. और फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, और अब हमें द नेशन, राष्ट्र के नाम पर सोचकर इस अपराध के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और इस बात को यहीं पे फिनिश कर देना है. वॉन्ट्स ए हैंगिंग, परंतु जनता तो जनता है, उन्होंने क्या कहा, नहीं, किसी न किसी को तो सूली पर लटकाना ही पड़ेगा, फांसी देनी ही पड़ेगी. Hanged must be, और जरूर जरूर देनी पड़ेगी. कब देनी पड़ेगी, someone and that immediately, किसी को भी दीजिए, but immediately, अभी की अभी फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जाए. हो क्या रहा है, बड़ा ही पेचीदा मामला लग रहा है इस पोयम में तो, परंतु कुछ ना कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है, लेट्स सी एंड रीड दिस वन. द नोज वॉज सेट अप समवट हाई, कुछ निश्चित बातें की जाती है और निश्चित बातों का सारांश ये है कि फांसी का फंदा बनाया जाता है. नोज, नोज मीन्स फांसी का फंदा. और कुछ नियम बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस फांसी के फंदे को कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है. ईच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड माई, एक एक व्यक्ति को इस सूली के फंदे से नापा जाता है. बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, परंतु सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं जो इतने लंबे होते हैं. ही फिटेड, और वह पूरे भी आते हैं, इट मीन्स लंबाई पूरी है उनकी. वन मैन दैट वॉज ऑल, सिर्फ एक व्यक्ति, और बात कंप्लीट कि किसी ने किसी को फांसी दी जानी है. एक व्यक्ति है जो लंबा भी है और वो फिट भी आ गया है. कौन थे वो व्यक्ति, समझ में आ रहा है कुछ, आप स्वयं अनुमान लगा पा रहे हैं बच्चों. यस, ही वॉज द किंग, वह व्यक्ति राजा स्वयं थे. हिज मैजेस्टी, उनके खुद के राजा. वॉज देयरफोर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और एक सरकारी आदेश के तहत राजा को फांसी पर लटका दिया जाता है. देखते हैं राजा फांसी पर लटक रहे हैं या और भी कुछ होने वाला है. क्या हो रहा है, सस्पेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है ना. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या राजा फांसी पर लटकेंगे या कोई और फांसी पर लटकेगा. अगर लटकेंगे तो क्या होगा, नहीं लटकेंगे तो क्या होगा. तब तक मेरे साथ बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.